जा रहा था अगस्त तक, जो आप लोग पढ़ा रहे हो 15 दिन से बंद किया। तो नदी क्या थी, अप्रैल मई में नदी गंदे नाले में बदल गए थे बेटा। मुझे शर्म आती थी गंगा माँ के सामने गुजरने में कि नाक बंद करना पड़ता था जब बस पुल से निकलती थी। तो इधर जो टीला बना इतनी बू आती थी सत्येंद्र भाई। तो ये लोग क्या है, ये एक बड़ी संस्था है तमिलनाडु की, क्या नाम संत, ईसा फाउंडेशन। ईसा फाउंडेशन बहुत लोगों सुना होगा, गुरु जी हैं, महान संत हैं। और ऐसे संत जो कोई प्रकार से दिखावा नहीं बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए, नहीं तो जहाँ तक तो धार्मिक और उसमें पता नहीं क्या क्या, मगर ईसा फाउंडेशन। तो ये इस नंबर पे यदि आप लोग मिस कॉल देंगे तो आप उनके नदी बचाओ अभियान के समर्थन में प्रधानमंत्री के पास नोटिस पहुंच जाए, प्रधानमंत्री के पास नोटिस मतलब वो नंबर हो जाए, इतने लोग इसका समर्थन। अब आप कहोगे है क्या, जैसे गंगा नदी है, आज दो चीजें हो रही हैं, आज नदी में दो चीजें हो रही हैं, या तो नदी दादा एकदम सूख जाती है और नहीं तो बरसात में एकदम तो उफना जाती है। दो बातें, अब दोनों हमारे लिए खतरनाक हैं। नदी एकदम से सूख गई तो वाटर लेवल हमारे यहाँ नहर नहीं आता, वाटर लेवल क्या है, डाउन हो गया, क्योंकि नदी सूख गई। अगर एक छोटा सा नहर 2-4-10 गांव में वाटर लेवल बढ़ा सकता तो बताओ विशाल नदी कितना वाटर लेवल बढ़ा सकती है। ये बात दादा इसमें अब जब नदी में ही पानी नहीं तो जमीन में पानी की कमी, तो वाटर लेवल कम हुआ। सब बच्चे समझ, वाटर लेवल क्या हुआ, कम हुआ, वाटर लेवल कम हुआ। अब ईसा फाउंडेशन में क्या किया जा रहा है कि नदी में साल भर बराबर पानी पहले क्यों रहता था, क्योंकि नदी के दोनों ओर पेड़ रहते थे। पेड़ों की विशेषता क्या है कि बरसात के जल को रोक के रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके नदी में छोड़ते हैं। तो जब पानी ज्यादा गिरा तो इन पेड़ों ने रोक लिया, बाढ़ नहीं आई। और जब अभाव का समय या सूखा का गर्मी का समय तो इन्हीं जड़ों से धीरे धीरे पानी छूटा और नदियों में जाता रहा, तो जब हमको जरूरत थी तब पानी उसमें मिला। ईसा फाउंडेशन का ये नंबर इसलिए आपको लिखा है, अगर आप इस पे मिसकाल मारोगे तो आप इस बात का समर्थन कर रहे हो कि भारत में जितनी भी नदियां हैं नदियों के किनारे 1 किलोमीटर, कहाँ 1 किलोमीटर, सिर्फ पेड़ पौधे होने चाहिए। मगर उसमें भी बात है, डरने की बात नहीं, हमारा तो खेत है, अगर सरकार की जमीन है तो उसमें पूरे पेड़ पौधे, और अगर खेती की जमीन है किसान की तो उसमें फल के पौधे साथ में, वो खेती कर सकता है या जो भी हो। ऐसे ये आंदोलन है सिर्फ नदियों को बचाने के लिए। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस नंबर पे मिस कॉल सब लोग जरूर मारेंगे तो नदियां हमारी बच जाएंगी, तो हमारा जीवन बच जाएगा। सर नंबर बता दीजिए एक बार। नंबर 8009 8009, इस पे सभी लोग मिस कॉल कर दें अभी, सभी लोग कर दीजिए और जब तक गुरु जी चाहे पी लें। एक बार कर दो बस एक बार, कोई पैसा भी नहीं करना आपका, सीधे हो जाएगा। कितने लोग इस काल के पता चाहिए के समर्थन लोग हमारी मांग को समझा गलत सकते नेताओं करना चाहिए। इससे नाराज है वो, नाराज क्या बोला तो मां बना लू हमते दिन से देश नाराज ना हो तो मां काटते कर देश ही तो नाराज नहीं आप।